नमस्कार जनरबा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई और यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आतंकी ने खुलासा किया है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर भूमि पूजन के बाद से देश के कई हिस्सों में विस्फोट करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें मुंबई के गणपति बप्पा पर भी शामिल है। इसके बाद से मुंबई पुलिस ने बैरिकेडिंग करके चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। भारत में कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में भले ही हर दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन कोरोना मृत्यु दर में कमी और बढ़ता रिकवरी रेट भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी हमारे पास लगभग 1500 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोन की ईएमआई के मॉरेटोरियम पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम तय करने के लिए बैंकों को छूट दे दी है। जो बैंक अपने ग्राहकों को लोन की ईएमआई में छूट देना चाहती हैं, वो छूट देने के लिए स्वतंत्र हैं। दास ने कहा कि फिलहाल अब मॉरेटोरियम मामले में आरबीआई कोई भी दखल देने नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कुल 17 विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 भी शामिल है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार इस बिल के जरिए ही उपद्रवियों से वसूली की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कदम उठा रही है। वहीं सदन की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इशारों में आप सांसद संजय सिंह पर निशाना साधा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सीएम योगी ने सदन में कहा कि हमने यूपी के लोगों को कोरोना से बचाने में महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन दिल्ली के कुछ नमूने यहां आकर पूछते हैं, आपने लोगों के लिए क्या किया, अब हम उन्हें क्या बताएं हमने क्या क्या किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली की 4855 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम ने प्रीपेड मीटर लगाने के काम में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर से एक तरफ उपभोक्ताओं के बिजली बिल की समस्या दूर होगी तो दूसरी ओर विद्युत कंपनियों का नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाएगा। मोदी सरकार के नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ 200 से अधिक मंडियों में हड़ताल होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि नया अध्यादेश पूरी तरह से किसान हितैषी है। किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है और ये खरीदारी लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए राहुल ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत के खजाने से पैसा चुराया गया। उसके बाद राहुल ने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है, कहा सच एक है और रास्ते कई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक खातों को सेविंग, निजी और बिजनेस कैटेगरी तय करने के मामले में बड़ा बयान दिया है। गवर्नर दास ने कहा कि केवी कामत कमेटी की बैंक खातों पर रिपोर्ट आने वाली है। इसके बाद बैंकों को अधिकार मिल जाएगा कि वो अपने स्तर से सेविंग, निजी और बिजनेस खातों की कैटेगरी तय कर सकेंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने और टिकट देने पर बड़ा ऐलान किया है। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान संजय ने कहा कि बीजेपी अपनी परंपरागत सीटें और मौजूदा विधायकों पर अपने ही प्रत्याशी उतारेगी। इन सीटों पर किसी और को सीट देने का सवाल ही नहीं उठता है। सुशांत केस में सीबीआई टीम दूसरे दिन रसोईया नीरज और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर उनके फ्लैट पर पहुंची। सीबीआई की टीम अभिनेता सुशांत की मौत के सीन को रिक्रिएट कर रही है। सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को भी नीरज से 40 पन्नों का बयान दर्ज किया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर चर्चा में बनी रिया चक्रवर्ती ने पहली बार अपने और महेश भट्ट के संबंधों पर बड़ा खुलासा किया है। रिया ने कहा कि महेश भट्ट और उनके बीच रिश्तों की बड़ी अहमियत रही है और आज भी है। रिया ने दावा किया है कि महेश भट्ट मेरे लिए पिता जैसे हैं और मेरा उनके साथ पिता बेटी का रिश्ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम पर हो रहे घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। यहां 65 वर्षीय एक महिला ने सरकारी कागजों के हिसाब से 14 महीने में 8 बच्चियों को जन्म दिया है। दरअसल ये मामला बच्चियों के पैदा होने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के गबन के लिए एक पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है। बीएसएफ ने पंजाब के भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। तलाशी लेने पर इनके पास से नशीले पदार्थ और हथियार बरामद हुए हैं। ये सभी घुसपैठिए सीमावर्ती क्षेत्र खालड़ा के पास भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय निगरान चौकी ढल से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे।
कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जूझ रही सरकार आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है। एक ओर जहां भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन ने भारतीय सामानों का जमकर आयात किया है। इस साल जून में चीन में भारतीय उत्पादों का निर्यात 78% बढ़ा है। आर्मी अस्पताल में भर्ती भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। पूर्व राष्ट्रपति अचेतन अवस्था में है और उनका श्वसन संक्रमण का इलाज चल रहा है। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं, उन्हें लगातार जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सलोसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें भारतीय जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन को बारामूला पुलिस सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसे जल्द ही समुद्री परीक्षण के बाद हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत का हार्बर ट्रायल पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2023 तक नौसेना में शामिल हो सकता है। LAC पर भारत से तनाव के बीच चीन की हरकतों ने वियतनाम की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने वियतनाम से सटे हुए दक्षिण चीन सागर में अपने बम बरसक तैनात किए हैं। इस बात से चिंतित वियतनाम ने भारत को अपनी परेशानी बताई है। वियतनाम के राजदूत फैन सन चाऊ ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दंगल में दो दो हाथ करने को मायावती ने भी ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बिहार की सभी सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसके लिए पार्टी ने एक विधानसभा सीट से तीन तीन दावेदारों के नामों की लिस्ट बसपा बिहार कोऑर्डिनेटर से मांगी है, ताकि प्रत्याशियों के नाम घोषित किया जा सके। बिहार में पटना जंक्शन के आसपास का इलाका नशीले पदार्थों का हब बनता जा रहा है। अब नारकोटिक्स और DRI टीम ने जंक्शन के पास से किशन लाल को 3 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। बरामद हुई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स और DRI की टीम किशन लाल खरीददार और सप्लायर के बारे में पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बिल्डर से कई IAS और IPS के कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। वही बर्खास्त IAS दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी का भी नाम सामने आया है। आपको बता दें कि छापेमारी में 500 करोड़ की जमीन के खरीद फरोख्त और 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच आदिवासी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आहार अनुदान योजना के तहत करीब 22 करोड़ रुपए एक क्लिक में आदिवासी महिलाओं के खातों में भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में अब तक 2,19,000 महिलाओं का पंजीकरण हुआ है। फिलहाल अभी पंजीकरण करने का काम चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चश्मे की ब्रिटेन में नीलामी हो गई है। गांधी का चश्मा खरीदने के लिए अमेरिकी कलेक्टर ने सबसे अधिक 2,55,00,000 रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद अमेरिकी कलेक्टर को चश्मा सौंप दिया गया। नीलामी कराने वाले एंड्रयू ने बताया कि महात्मा गांधी के चश्मे को अज्ञात व्यक्ति छोड़कर चला गया था। ये काफी दिनों से मेज की दरार में पड़ा था, इसलिए इसकी नीलामी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश ITI ने शिक्षा सत्र 2020 में दाखिला लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त घोषित कर दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख 2 अगस्त रखी गई थी। आपको बता दें कि UP ITI ने 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट से प्रवेश देने की तैयारी की है। वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते परीक्षा नहीं कराने का भी फैसला किया गया है। झारखंड में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके तहत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी पत्नी रूपी सोरेन को भी कोरोना हुआ है। 76 वर्षीय सोरेन को क्वारंटाइन कर उपचार शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले शिबू सोरेन के आवास पर तैनात 17 स्टाफ और सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। झारखंड के खूंटी जिले के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि खूंटी के किसानों की स्वीट कॉर्न की खेती उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन गया है। इस बार भी यहां के किसानों ने बड़ी मात्रा में स्वीट कॉर्न की खेती की है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ में NCERT की 35 करोड़ की डुप्लीकेट किताबें पकड़े जाने पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव करने वाली भाजपा पहले अपने उन नेताओं को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए जो करोड़ों रुपए के नकली किताबों के गोरख धंधे में संलिप्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने PM केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए PM केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि PM केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी है। सुरजेवाला ने तंज भरे ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और करोड़ों में अग्रिम भुगतान किया जा रहा है।
भारत के बाद अब सऊदी अरब ने चीन को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर हुए समझौते से किनारा कर लिया है। रिपोर्ट की माने तो सऊदी की कंपनी ने तेल की गिरती कीमतों की वजह से चीन के साथ हुई डील को टालने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए नामों को फाइनल करने का काम कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 80 विधायक हैं। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस का कई छोटे दलों के साथ गठबंधन होना है। महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 विदेशी जमातियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जमातियों पर दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई महामारी आती है तो सरकारें किसी न किसी को बलि का बकरा बनाने का प्रयास करती हैं। इसी तर्ज पर कोरोना महामारी में भी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के जमातियों पर कार्रवाई की गई है। कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने का सपना देखने वालों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा झटका दिया है। WHO ने बयान जारी कर कहा है कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर महामारी से ऐसे ही लड़ते रहे तो 2 साल में कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। WHO ने कहा कि आज से 102 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में भी 2 वर्ष का समय लगा था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल का पहला औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। इसे औरैया की 380 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। पार्क में करीब 160 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की योजना है। यूपी सरकार इसे बनाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सीएम योगी ने कहा कि औरैया में औद्योगिक पार्क बनने से क्षेत्र का विकास होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इसी के तहत पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी के खिलाफ सीएम चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कैंपेन के जवाब में भाजपा ने बड़े स्तर पर अपने नए कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सितंबर में होने वाली नीट और यूजी 2020 के लिए एडवाइजरी जारी की है। जारी गाइडलाइन में एग्जाम को परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा खत्म होने पर 3 भागों में बांटा गया है। कोरोना के लक्षण होने पर आइसोलेशन रूम में अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। संक्रमण से बचाव के लिए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया टच फ्री रहेगी। चीन को पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच सीमा पर ताजा स्थिति को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों, कश्मीर मुद्दा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर प्रगति और अफगान शांति प्रक्रिया के बारे में विचार विमर्श किया है। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने विधायक महेश नेगी को कड़े लहजे में निर्देश दिया है कि 24 अगस्त को राज्य पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहें। पार्टी ने विधायक से कहा है कि पुलिस की जांच में हर हालत में सहयोग करें। आपको बता दें कि विधायक महेश नेगी को एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची का पिता बताया है। इसके लिए उसने DNA टेस्ट कराने की मांग भी की है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर पुलिस ने विधायक का बयान भी दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें 16 उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री, 16 प्रदेश मंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी की टीम में ज्यादातर पुराने और अनुभवी चेहरों को पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं नोएडा से विधायक पंकज सिंह और सांसद सुरेंद्र नागर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल सरकार ने नया शिक्षा सत्र शुरू करने के लिए जियो ऐप के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच छात्रों को संक्रमण से बचाने और पढ़ाई ऑनलाइन कराने के लिए जियो से समझौता किया गया है। सीएम ने कहा कि अब जियो ऐप के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले के लिए लखनऊ की स्पेशल कोर्ट की समय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। बता दें कि इस केस में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य नेताओं को आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में यूरिया की खुलेआम होने वाली कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी अरुण के निर्देश पर SDM, तहसीलदार और कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम ने छापेमारी के दौरान 12 दुकानों पर कालाबाजारी पकड़ी है। इसके बाद इन दुकानों को निलंबित करके FIR दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि अमेठी में यूरिया की कालाबाजारी रुकती है या फिर जारी रहती है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंकों के आधार पर भर्ती करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि SSC और IBPS द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जगह एक ही CET परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कबुआ जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के रेंजर घंटों तक रुक रुक कर मोर्टार दागते रहे। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पाक रेंजरों को मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल पाक फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
बस्ती के सीएमओ के पद से हटाए गए डॉक्टर जेपी त्रिपाठी गंगापुर से लापता हो गए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी के कार चालक की सूचना पर पुलिस गोताखोर और एनडीआरएफ की मदद से गंगा में खोज रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर त्रिपाठी वाराणसी से मिर्जापुर जा रहे थे, तभी उन्होंने गंगा पुल पर कार रुकवाई और टहलते हुए दूर चले गए। डॉक्टर के वापस नहीं लौटने पर कार चालक ने पुलिस को सूचना दी। रेलवे ने यूपी और बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की तादाद बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे ने कहा कि बिहार और यूपी जाने वालों की टिकट की वेटिंग 15 से 20 दिन तक होने लगी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए करीब दर्जन भर विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलने का डर और रोजगार का संकट होने के चलते लोगों का गाँव की ओर पलायन जारी है। हरदोई में पूर्व सैनिकों ने कोरोना को कम करने के लिए सराहनीय पहल की है। पूर्व सैनिकों ने घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग कर मास्क बांटे। सरद से समाज तक संस्था के संस्थापक राहुल सिंह ने लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन आने तक सावधानियां बरतें। रामपुर पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शहजाद नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की है। तस्करों के पास से 9 किलो गांजा बरामद हुआ है। तस्करों ने गांजे को 87 पुड़िया और 4 पैकेट में पैक किया था। आरोपियों के नाम अयूब, आबिद और गुलाम नबी बताए जा रहे हैं। बाराबंकी के डीएम और एसपी ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव दाऊदपुर में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है। छापेमारी में 2 जेसीबी मशीन, 6 डंपर बरामद किए गए। बिहार के गांव सोनहर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शिवसागर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया है। घायलों की स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।